हाय गाइस, आई हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू शो यू, बट उससे पहले लेट मी डू माय इंट्रो, व्हिच इज नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप वेल एंड गुड, यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। तो आप में से जो मुझे 2 साल पहले या 3 साल पहले से फॉलो कर रहे थे, तो यू वुड नो दैट आई हैड अ वेरी कूल सेटअप, रिमेंबर, लाइक इट वॉज रियली नाइस, एटलीस्ट आई थिंक दैट इट वॉज रियली कूल। सो आई वॉन्ट डू इट अगेन एंड यू नो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था पिछले 1 साल से, मैं ट्राई कर रही हूँ कि चलो वीडियोज बनाऊंगी, बट सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, आई कुड नॉट डू दैट। एंड उस पर मैं कभी फिर से बताऊंगी कि क्या कुछ था क्या नहीं, बट आई कुड नॉट बी कंसिस्टेंट एंड आई कुड नॉट हैव अ प्रॉपर बैकग्राउंड एंड सेटिंग टू रिकॉर्ड वीडियोज। आई डिड नाउ, आई डिड दैट, आई एम लाइक गोइंग टू शो यू राइट नाउ, जस्ट सी, जस्ट सो हियर यू गो, 1 2 3 गो। हाउ इज दैट, प्लीज डू कॉमेंट एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट, बिकॉज My God, I was like really brainstorming, मैं कैसे बनाऊंगी इसको, and this is how it has come out. Just tell me, अभी तो चलो lighting मैंने बंद किया हुआ है just to give it that effect, you know. But please comment down below and let me know कि कैसा लगा आप लोग को ये। मैंने बहुत सारे posters दोबारा से reuse किए हैं, आपको एक दो posters ही नए दिखेंगे जो पिछली बार मैंने use नहीं किए हुए थे। I thought why not reuse it because I can't throw these things, man. I can't do that because they were just so good जब मैंने पिछली बार बनवाए थे। आई एड ऑन बाद में, बट दिस इज द सेटिंग। आज का वीडियो सिर्फ ये सेटअप दिखाने के लिए नहीं था, वी हैव थिंग्स टू टॉक अबाउट टुडे, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला फिक्स्चर एंड यू नो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द मैच एंड माय प्रेडिक्शंस एंड ऑल्सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, राइट। फर्स्ट थिंग यू हैव टू टॉक अबाउट इज कि हमारे फिक्स्चर का टाइमिंग इतना बर्बाद क्यों दिया है, मतलब इतना गंदा टाइमिंग क्यों दिया है। 1:30 AM एट नाइट, मतलब UCL नाइट्स होती है, अंडरस्टैंड, हम जैसे जैसे करके मन बना लेते हैं UCL नाइट है, विल वॉच इट, ओके। बट प्रीमियर लीग फिक्स्चर दैट टू ऑन अ सैटरडे व्हेन एवरीबडी इज हैविंग अ वेरी नाइस टाइम एंड लाइक 8:00 और 8:30 7:30, व्हाई आर वी गेटिंग दिस गंदा वाला 1:30 टाइम। अब इसका भी एक रीजन है, जो TNT स्पोर्ट्स है इसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट है, तो उन्होंने प्लान किया था ये मैच एट द नॉर्मल टाइम ओनली, बट 2021-22 में क्या हुआ था, ऑल द क्लब्स एंड लीग्स गॉट टुगेदर एंड दे डिसाइडेड कि जब भी UCL का मिडवीक मैच होगा तब उस टाइम पे अर्ली किक ऑफ्स नहीं देंगे। फाइन, तो विच इज फाइन, ठीक है अर्ली किक ऑफ मत देते, बट एटलीस्ट 11-12 बजे वाला स्लॉट दे देते यार, 1:30 लाइक वो सब छोड़ो। एज यू ऑल नो एस्टन विला भी अवे मैच खेल के आया है UCL का मिडवीक में, तो उसकी वजह से हमारा जो ये फिक्स्चर है वो काफ़ी लेट इनको टाइम मिला सेट करने का, तो 1:30 AM मैच होने वाला है अपना एंड दैट इज़ व्हेन वी आर गोना वॉच दिस फिक्स्चर एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आर वी गोना मेंटेन द लीड और नॉट, और लेट्स सी क्या होगा, वी डू नॉट नो, बट वी डू नॉट रियली हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद अर्ली किक ऑफ्स, यू ऑल नो दैट यार, कितनी बार अर्ली किक ऑफ्स में हमने गू किया है, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रेक हो उसके बाद भी हम करते हैं, यू नो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये मेरे को थोड़ा लगता है कि ठीक है लेट हुआ है, ठीक है विल मैनेज, विल सी वॉट हैपन्स। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फिक्स्चर, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बिकॉज एस्टन विला अच्छे फॉर्म में है इस बार, 6th place पे है अभी भी वो, अगर आप पिछले 3-4 मैचेस ना काउंट करो, दे हैव हैड अ वेरी गुड रन ऑफ गेम्स, दे वन अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एंड अगर क्लब ब्रूज के बारे में भी बात करेंगे, दे कुड हैव वन दैट गेम एज वेल, बट वॉट वॉज टायरन मिंग्स डूइंग, लाइक वॉट जस्ट हैपन, आई वॉज सो फ्रीकी, लाइक सबसे वियरेस्ट थिंग्स दैट कुड हैपन इन अ मैच हैपेंड विद एस्टन विला इन दैट मैच एंड टायरन मिंग्स ने क्या किया, यू गाइस वुड हैव सीन दैट, बट पीछे एमिलियानो मार्टिनेज था तो उसने पास किया टायरन मिंग्स को, आई डोंट नो, टायरन मिंग्स ने बॉल टच करके पीछे रख दिया एंड यू नो दे वर गिवन अ पेनल्टी विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, विदाउट इवन टचिंग अ प्लेयर दे गॉट अ पेनल्टी, लाइक दैट वाज लाइक वेरी फ्रीकी व्हाट हैपेंड विद देम। तो ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंड एंड दे लॉस्ट द मैच एंड दे लॉस्ट अगेंस्ट टॉटनम एज वेल एंड दे आर आउट ऑफ EFL कप एज वेल, तो क्रिस्टल पैलेस ने उनको बाहर निकाल दिया है। नाउ कंसिडरिंग ऑल दिस, वी कांट बी लाइक दैट कि हाँ आराम से हम लोग जीत जाएंगे, नॉट गोना हैपन भाई। आई थिंक आर सेंटर बैक्स विल बी टेस्टेड इन दिस मैच, बट सबसे ज्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा वो होगा गोल निकालना इस मैच में, वो इसलिए बिकॉज पीछे एक वर्ल्ड क्लास कीपर है उनके पास, सो एमिलियानो मार्टिनेज होगा, नॉट गोइंग टू बी इजी, और पेनल्टीज होंगी तो और भी ज्यादा रन कुछ भी क्रिएट होगा सीन वीन वहां पे, तो विच इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू यू नो स्कोर इन ओपन प्ले, या फिर फ्री किक्स वगैरह मिलते हैं, कॉर्नर्स मिलते हैं, ट्राई टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फाइंडिंग द बैक ऑफ द नेट व्हेन यू हैव अ कीपर लाइक एमिलियानो मार्टिनेज देयर। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग आई एम फाइंडिंग इन दिस सीजन दिस टाइम, दैट वी हैव सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दैट वी कैन यूज नाउ
And, you know, bench is strong. It is trying to become strong. And, you know, they're getting confidence as well. They're getting game time as well. Because we are in many, many competitions. So, this is quite exciting. So, kal forward mein wapis se Luis Diaz ko center se shuru karenge ya left mein. I don't think wo center se shuru karega. I think left mein khilayenge, wing pe khilayenge. Aur center mein well-rested Nunez aa sakta hai. We have many combinations we can use in the midfield as well. Maybe we might see Szoboszlai there after a very good run of performances from Curtis Jones. We might see him on bench in tomorrow's match. But tab bhi matlab main wahi bol rahi hu ki kafi kuch hai look forward karne ko is match mein. Jaise ki slot ka gameplay rehta hai ki hum dusre ko bhi proper chance dete hain ki agar tumko try karna hai, you know, goal karne ka to tum try karo. But we have like good set of defenders on backline, hum achha maintain karke rakhte hain. We have good, very good keeper as well. Chahe hamara first choice nahi hai, our second choice and third choice are doing quite well. To wo bhi hai apne paas. But still, agar aap socho to interplay between the forwards is going to be very, very catchy in Aston Villa. So we have to be on our toes on that. Like, to hum ye expect nahi kar sakte ki we won't be challenged in the final third of Liverpool's half. Of course, that is going to happen. Abhi chalo baat karte hain ki mere liye sabse key player kaun hone wala hai kal ke match ke liye. Dekho, Aston Villa ke against mujhe lagta hai ki theek hai, goal shayad kha lenge. Lekin marna bahut important rahega. Maro tum, koi baat nahi, tum goal karo. Lekin humko equalize karke jeetna ya fir pehle maar ke jeetna बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. मैं बहुत ही ऑब्वियस चॉइस बोलने वाली हूँ, विच इज मोहम्मद सलाह. सी, आई अंडरस्टैंड यू माइट से दैट यार ये तो भाई बहुत ऑब्वियस था, वो तो होगा ही इन्वॉल्व. बट मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज देर हैव बीन इंस्टेंसेस इन मैचेस जहां पे हमको एक बहुत ही कुछ क्रिएटिव, कुछ ब्रिलियंट, कुछ मैजिक मोमेंट की जरूरत रहती है. इफ देयर इज एनीबॉडी हु कैन ब्रिंग दैट इन द मैच, दैट इज मोहम्मद सलाह. सो या तो उनका कोई ना कोई वे में गोल इन्वॉल्वमेंट रहे, कैसे भी हो, चाहे ही हैज टू यू नो स्कोर हिमसेल्फ या असिस्ट बना के दे, जिस तरीके से भी है. आई विश सलाह कम्स प्रिपेयर्ड. वैसे भी होम ग्राउंड पे अपना रन काफी अच्छा चल रहा है. एनफील्ड विल बी देयर, विल बी लाइक अप एंड देयर एंड चेयरिंग एंड चैंटिंग, तो दैट विल बी क्वाइट गुड. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट साला इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. अच्छा, अभी स्कोर प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं. माय प्रेडिक्शन इज इट्स गोइंग टू बी 3-1 इन फेवर ऑफ लिवरपूल. ठीक है, अभी तुम बोलोगे कि यार मैं तो कितना बोल रही थी कि गोल आएगा वो सब, ठीक है जो भी है. पर मेरे को सही में लगता है दैट हमारा जैसा रन ऑफ फॉर्म चल रहा है, दैट टू एनफील्ड पे मैच है, मुझे लग रहा है वी विल गेट अ गुड रिजल्ट. वी शुड गेट अ गुड रिजल्ट आफ्टर द परफॉर्मेंसेज दैट वी हैव. एंड वहीं अगर हम देखें तो एस्टन विला का इतना अच्छा रन नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा तो नहीं चलने देते हैं. एटलीस्ट अपना मैच जाए, तब उसके बाद देखा जाएगा जो होगा. सो 3-1 इज माई प्रोडिक्शन इन फेवर ऑफ लिवरपूल. यू गाइज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो वट इज योर प्रोडिक्शन गोइंग इन लिवरपूल वर्सेज एस्टन विलाज मैच. आई वुड लव टू नो दैट. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट दैट हाउ डू लाइक द बैकग्राउंड. आई वुड लव टू नो वट यू गाइज थिंक अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.